Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are absolutely fine. और आज है 29 जनवरी 2022 और आज हम लोग जा रहे हैं शिवसागर. तो एक्चुअली हम लोगों का प्लानिंग था बाइक में जाने का फ्रेंड्स लोगों के साथ, बट वो प्लान कैंसिल हो गया और आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेके. तो यहाँ से मैं जाऊँगा अपने दीदी घर, फिर वहाँ से जिया जी के गाड़ी लेके, फिर वहाँ से हम लोग शिवसागर जाएंगे. तो यहाँ से मतलब मेरे घर से यानी कि लीडू से शिवसागर का डिस्टेंस है अराउंड 183 किलोमीटर. तो अगर हम लोग डायरेक्ट जाएंगे तो ये लगभग 4 घंटे के आसपास लगेगा. तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी रास्ते पे. सो गाइज, अभी फाइनली दीदी घर पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं 1:30 PM और आने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा सा काम था रास्ते पे, तो उसके लिए टाइम लग गया. अभी यहाँ पे हम लोग अभी लंच करेंगे और फिर जिया जी का गाड़ी लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे. आई थिंक 2 PM या 2:30 को यहाँ से निकलेंगे. देखते हैं कितना जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, बिकॉज शिवसागर पहुँचने में यहाँ से अराउंड 1.5 आवर लगेगा क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली 54 किलोमीटर के लगभग है. तो चलिए आगे अभी लंच करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको रास्ते पे. चलिए गाइस. सो हे गाइस, फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शिवसागर, जो कि वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. और शिवसागर मेनली फेमस है आहोम डायनेस्टी का मोनूमेंट्स के लिए. एक्चुअली जो आहोम डायनेस्टी था उन्होंने 6th सेंचुरी तक असम पे रूल किया था एंड उनका जो आहोम डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो था शिवसागर. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स बने हुए हैं. तो पहला जो मोनूमेंट्स हम लोग घूमने आए हैं वो है रंगघर. तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे. सो गाइस अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ से आइए व्यू देखते हैं. तो यहाँ से क्या होता था उस टाइम, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में आके जो राजा लोग थे वो लोग क्या करते थे, शाही परिवार यहाँ पे बुल फाइट और आपका जो बर्ड एनिमल का जो भी फाइट वगैरह होता तो यहाँ पे वो होता था और यहाँ से शाही परिवार पूरा एंजॉय करता था इसको चीज़ को. सो बेसिकली ये इसीलिए बना है कि जो डायनेस्टी के लोग थे राजा के परिवार के, उनको मेनली एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आके. तो चलिए गाइस अभी और आगे एक्सप्लोर करते हैं. और मेरे साथ मेरा भाई, मेरी मासी की लड़का है, हिज नेम इज़ आशीष. और मेरा साथ और एक मेरा भाई है, मेरी बुआ का लड़का, एंड हिज नेम इज़ आकाश. और एक भैया है जो हमारे साथ आए हैं. तो यहाँ पे नरेश दा, हेलो मंदिर. तो चलिए यहाँ पे तो हो चुका है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्लेस. और नेक्स्ट अभी बज रहे हैं 3 PM. सो गाइस फाइनली हम लोग तलातल घर पहुँच चुके हैं और अभी टिकट ले लिया है यहाँ पे भाई ने. और जो तलातल घर है ये 9 AM to 4 PM तक खुली रहती है और यहाँ का जो टिकट रेट है वो 25 rupees पर हेड जो इंडियंस है, और जो फॉरेनर है उनके लिए 250 और उसके ऊपर ही है. तो चलिए गाइस. और गाइस जो तलातल घर मीन्स होता है ये SMS में है और इसको अगर आप इसका मीनिंग ये होता है कि अंडरग्राउंड घर मतलब हाउस. तो ये जो पैलेस है ये अंडरग्राउंड भी है. तो चलिए और आगे अंदर जाके आपको दिखाते हैं. एंड गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम है शिवसागर पे. और ये जो भी अब प्लेस में मैं घूम रहा हूँ, तलातल घर, रंगघर, कारेंघर, ये सब मैंने अपने स्कूल डेज में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था.
और उस टाइम मतलब बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि ये सब है आसाम पे, बट कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला उस टाइम कि यहाँ पे आए और यहाँ पे विजिट करे। बट फाइनली आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स यहाँ पे मिला है इस बार मौका, तो इस बार घूम रहे हैं। तो चलिए अभी और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। उतावरो है ना कि उतावरो वाला जापान प्लस एता उम्स जापान प्लस मीना सी गाइस, ये बना है 1751 को एंड स्टिल ये बहुत ही सॉलिड है अभी भी ये सब, विच इज़ मतलब आप समझ सकते हो कि उस टाइम लोग कितना मतलब डेडिकेटेड थे। चलिए तो चलिए गाइस अभी अंदर जाते हैं नीचे फ्लोर पे। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। और यहाँ पे शायद आई एम नॉट श्योर क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है, बट नो तो यहाँ पे जो ये प्लेस आप देख रहे हो, यहाँ पे जो यहाँ के लोग बोल रहे हैं उनके मुताबिक यहाँ पे शिव जी का पूजा होता था। तो रियली अगर आप ये भी देखोगे तो जो इसका बनावट है वो भी लाइक जैसे हम लोग शिवलिंग पे होता है ना वैसा है, बट यहाँ पे कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है। आई डोंट नो ये शिव जी का यहाँ पूजा होता था या नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इट्स लुक लाइक कि यहाँ पे शिव जी का पूजा होता था। अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे यहाँ से हो शिव सागर से और एनी इन्फॉर्मेशन इफ यू नो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स कि ये यहाँ पे पूजा होता है या नहीं। तो चलिए गाइस, सो गाइस ये लग रहा है कि मंदिर है, तो चलिए अंदर चलते हैं। सो हे गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिवदल शिव सागर पे, और ये जो आप पीछे देख रहे हो मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है और इसे यहाँ पे शिवदल बोलते हैं। और ये जो है 1714 to 44 में बना था
और इसे बनाया था उस समय के राजा आहोम राजा शिव सिंघा के वाइफ रानी अंबिका देवी ने बनाया था। और ये जो शिवदल है ये आहोम डायनेस्टी का सबसे ऊंचा यानी कि 40 मीटर लंबा मंदिर है। और बाकी चलिए और देखते हैं, और आगे जाके वहाँ पर भी एक है और एक वहाँ पर है वो भी देखते हैं। चलिए चलिए गाइज, मंदिर के जस्ट बैक साइड ही एक बहुत बड़ा झील है और बहुत ही बड़ी है। अगर आप देखोगे बहुत बड़ी है तो